गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग टीम में है ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन। आज के हमारे गेस्ट, बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें इनको इनका नंबर मिला और उन्होंने एग्री किया इंटरव्यू के लिए। हरगोविंद सिंह संधू जी को मैं खास थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे इनका नंबर मिला। ये जो रनर है, ये एक काफी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, अराउंड 15 इंटरनेशनल मेडल्स, और 1990 के बाद जो है नेशनल चैंपियनशिप में वो कभी हारी नहीं। उनका रिकॉर्ड जो है 1500 मीटर्स 4:25.87 जो नेशनल रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड उन्होंने उनका रिकॉर्ड जो सुनीता रानी जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। 3000 मीटर्स के रखा जो रिकॉर्ड है 9:06.42 जो है 1994 एशियन गेम्स में बनाया था। अराउंड 27 ईयर्स जो है यह रिकॉर्ड अभी तक है और अभी तक नहीं टूटा है। मुझे बेहद बेहद खुशी है जो है हमारा जो इंडिया का जो सुपरस्टार लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का जो है सुपरस्टार मैडम मोली चाको जी हमारे शो में आ गए। थैंक यू वेरी मच। हाय हाय राजेश जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, चेन्नई का मौसम कैसा है? हाँ, चेन्नई में अभी बहुत गर्मी है, इधर थोड़ा बारिश हो गया बीच में, फिर कोरोना ज्यादा लग रहा है इसलिए हम लोग सब घर में बैठ रहे अभी काम के लिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अच्छा, ये भी एक थैंक यू मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए आपको टाइम मिला इंटरव्यू के लिए, सो थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्यून इन हुए जो आपको हेलो कह रहे हैं। प्रमोद सतपुते जो है महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से है। प्रवीण कुमार सांगवान जी है जो गुड़गांव से है। संपत कुमार जी है और दार्जिलिंग से दीपेन रसेली, ये सब आपको हेलो कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग अभी और ट्यून इन हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो स्टोरी जो है काफी इंटरेस्टिंग है। और यू नो, ये मैं हमारे चैनल के यहाँ से आपको ये स्टोरी में आगे लेके आना चाहता हूँ। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जो जगह जो है कोटेम डिस्ट्रिक्ट में काफी फेमस जगह है और आपका स्कूल जो है CKMHS वो भी काफी फेमस है, जरा उस जगह के बारे में बताइए और आपके स्कूल के बारे में बताइए प्लीज। मेरा गांव कोटेम में कोरितोड़ बोलते हैं, कोरितोड़। CKM स्कूल में मैं पढ़ाई कर दिया। मेरा सिर्फ विलेज है, हिल स्टेशन है, ऐसा है। फिर मेरा स्कूल बारे में से इतना बड़ा स्कूल नहीं। ओके, मेरा को फर्स्ट कोच KP Thomas सर, द्रोणाचार्य KP Thomas सर था। वो शाइनी दीदी का, शाइनी विल्सन दीदी का पापा का ब्रदर था। वो स्कूल में, हम लोग CKM स्कूल में उस टाइम इतना फैसिलिटीज कुछ भी नहीं था, उस टाइम कितना साल पहले फैसिलिटीज कुछ नहीं था। ग्राउंड नहीं, मीन्स इक्विपमेंट्स कुछ नहीं उस टाइम। फिर भी हम लोग बहुत हार्डवर्क किया, सर बहुत सिंसियर था थॉमस सर। हम लोग हिल रनिंग करता था। फिर हमला स्कूल बहुत सपोर्ट था हमको स्पोर्ट्स के लिए उस टाइम। फिर हम लोग एक छोटा ग्राउंड उधर हम अपने बनाया, हम स्पोर्ट्स बनाया 200 मीटर ग्राउंड। हिल एरिया है हमारा, पूरा हिल एरिया है, उधर ही एक ग्राउंड बनाया 200 मीटर का, उधर ही हम लोग प्रैक्टिस करता। फिर लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए हम लोग हिल रनिंग करने के लिए रोड में आगे प्रैक्टिस करता था, हिल रनिंग करता था। फिर उस टाइम हाई जंप फिट नहीं है, हडिल्स नहीं है, इस ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम था बहुत। फिर भी सर बहुत हेल्प करते थे, जैसे फादर लाइक बहुत बहुत सिंसियर था सर, तुम सर। अच्छा, फिर हम बहुत बढ़िया बहुत। फिर हमारा उधर का आदमी लोग, सब लोग बहुत सपोर्ट था उस टाइम हमको, सब स्पोर्ट्स आदमी लोग उस टाइम मेरे। फिर तो अच्छा था ऐसा। अच्छा, तो आपका जो है हिली एरिया था, तो क्या उसी वजह से आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपने शुरुआत किया? ऐसा नहीं, हाँ ऐसा। मैं उस टाइम में एक बार मेरा घर से 7 किलोमीटर पैदल से जाना था स्कूल के लिए, वो हिल से ऐसा जाके फिर स्ट्रेट जाके ऐसा 4 किलोमीटर उधर वापस इधर आने के टाइम हिल ऐसा करके घर माना था, पूरा पैदल से जाता था उस टाइम। इसलिए वजह से मैं लॉन्ग डिस्टेंस कर दिया होगा शायद। फिर मैं हडिल्स भी कर रहा था स्कूल में, स्कूल स्टेट में मैं फर्स्ट था 1987 में, 3 गोल्ड। सबको बहुत था, क्या 800 मीटर, 1500 मीटर एंड हडिल्स करता था मैं, 100 मीटर हडिल्स। सब लोग पूछ रहे ये इवेंट कैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है कैसा,
उससे पूछता था। अच्छा ओके, तो ये अच्छी बात है कि ये 100 110 मीटर हर्डल्स आप करती थी, 100 मीटर हर्डल्स, तो स्प्रिंटिंग भी करती थी? हाँ, स्प्रिंटर हर्डल भी करता था, करती थी उस टाइम। मैं स्टेट में गोल्ड था उस टाइम, स्टेट में गोल्ड था। तो आगे जाकर आपने हर्डल्स क्यों नहीं किया? फिर लॉन्ग सेशन पे हो गया, फिर मैं इंडियन कैंप में आके, फिर मेरा 87 में मैं जूनियर नेशनल में 3 गोल्ड 3 रिकॉर्ड था बैंगलोर में अंडर 18 में। उस टाइम में 3000 5000 3 इवेंट कर दिया। फिर ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा हर्डल्स छोड़ दिया, नेशनल लेवल आने के टाइम छोड़ दिया ऐसा थोड़ा। ओके ओके, तो आपका जो ट्रेनिंग जो है आपने केपी थॉमस सर के साथ किया था, पहला जो ट्रेनिंग है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है, बहुत सारे एथलीट्स को उन्होंने ट्रेन किया, जैसे फर्स्ट जो उनका एथलीट है शाइनी विल्सन जी है, और उसके बाद बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन किया। जरा बताइए उनके साथ ट्रेन करने का जो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे वो ट्रेन कराते थे? किसके साथ? केपी थॉमस सर। सर बहुत अच्छा, बहुत क्या बोलना पता नहीं, बहुत अच्छा था मेरे को उस टाइम, इतना फैसिलिटी सर, बहुत सिंसियर एंड हार्ड वर्क था। हाँ सर, एक्स मिलिट्री था, बाइक पंचुअलिटी था, बहुत सिंसियर था, बहुत हार्ड वर्क। फिर हम बहुत ऐसा सपोर्ट, बहुत सपोर्ट था कि हमको बहुत। ओके, तो क्या क्या ट्रेनिंग कराते थे वो? मैं बोला ना उस टाइम में इतना फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी हिल रनिंग, रोड रनिंग ऐसा। अच्छा, वो फार्म में भी काम कराते थे सभी को क्या? उनके जो फार्म जो है वो फार्म में भी काम कराते थे के लिए सब को? हाँ, बहुत सिंसियर है, बहुत काम करता था, खाना पीना छोड़ के बच्चे के पीछे आके सर ऐसा। मेरा स्कूल से आया था अंजू बॉबी जॉर्ज जोसेफ जिंसी फिलिप सब, बहुत 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 बहुत। अच्छा, तो आपने स्कूल रनिंग शुरू किया अपना जो है, जहाँ पे आपने स्टेट में मेडल हासिल किया, उस टाइम में आपका इंस्पिरेशन कौन कौन था? मेरा पापा, मेरा घर से पापा मम्मी सपोर्ट था मेरे को, पापा का बहुत थोड़ा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का। फिर मैं ऐसा गया सर एक दिन, ऐसा पूछ के हम लोग ऐसा गया सर के पास, गया रनिंग के लिए कौन कौन आएगा रनिंग कैसा ऐसा आके थोड़ा इंटरेस्ट। फिर सर अच्छा से हेल्प ये कर दिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बताइए, केपी थॉमस सर जो है वो आपका इंस्पिरेशन है? फर्स्ट टाइम सर का। फिर पेपर में उस टाइम पढ़ाई, पीटी उषा दीदी का नाम, शाइनी विल्सन का नाम, रोसा कुट्टी, उस टाइम मेर्सी कुटन दीदी, सबका सबका नाम मतलब पेपर में पढ़ाई करे, हमको एशियन गेम्स का 86 18 यही से पढ़ाई करके हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये सब कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में से सभी लोग? नहीं नहीं, कोट्टायम से कितने लोग थे? कोटे में शाइनी दीदी इडुक्की है, उषा दीदी कन्नूर, वल्समा दीदी कन्नूर, मेर्सी दीदी आ साइड, कोटे में बीबा अंजू जोसेफ एलम कोटे में है, कोटे में। अच्छा, तो आप लो मेरे जूनियर है। हां, जिनसे बिल्कुल मेरे स्टार थे। हां, मेरा स्कूल से मैं था बोले, उसके बाद जिनसे फिलिप, अंजू बॉबी जॉर्ज जोसेफ फिलिप, बहुत इंटरनेशनल। अच्छा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको हेलो कह रहे हैं, जोशी एक्सेवियर वो आपको हेलो कह रहे हैं, मुंबई या आई थिंक बॉम्बे से हैं, तरुण कुमार नेहरा दिल्ली से आपको हेलो कह रहे हैं, रवि शुक्राल जी, और हमारे पुराने कोच साहब हैं साइमन डिसोजा सर जो रेलवे के हैं, बॉम्बे से हैं, बॉम्बे से वो भी 400 800 मीटर में भागते थे, वो आपको हेलो कह रहे हैं, और कृष्णा जो है पुणे से है वो आपको हेलो कह रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेलो कह रहे हैं। एलिज सेबास्टियन वो भी आपको, माय डॉटर योर डॉटर, मार्क मैनेमल वो आपको हेलो कह रहे हैं। तो अच्छा है कि बहुत सारे लोग आए हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। तो आपका जो पहला रेस जो है स्कूल में था, जो उस रेस के बारे में बताइए, कैसे आपने वो क्या था रिजल्ट और कैसा था वो रेस, फर्स्ट रेस आपके लाइफ? मेरा फर्स्ट नेशनल 86 दिल्ली में
हुआ था वो रूरल नेशनल 86 में, उधर उस टाइम 800 में गोल्ड आ गया, 400 रिले में सिल्वर आया था। उसके बाद 87 में उस टाइम मेरा स्टेट में थोड़ा मेडल आया था स्टेट में। उसके बाद नेशनल में फिर 87 था मेरा स्कूल से बेस्ट टाइम में, 87 स्कूल नेशनल गोल्ड। उस टाइम था केरला स्टेट में 3 गोल्ड 2 सिल्वर स्टेट मीट में, फिर स्कूल बैंगलोर जूनियर नेशनल अंडर 18 में 3 गोल्ड 3 रिकॉर्ड उस टाइम लो 1000 में 3000 5000 में। उसके बाद उस टाइम में सीनियर नेशनल ओपन नेशनल बैंगलोर में था 87 में, उस टाइम में सीनियर में मैं सिलेक्शन हो गया सीनियर टीम में केरला टीम में, उस टाइम में ब्रॉन्ज आ गया। उसके बाद रांची में एक मीट था इंटरस्टेट नेशनल रांची में था, उस टाइम में सिल्वर आ गया। उसके बाद मैं इंडियन कैंप में सीनियर कैंप में सिलेक्शन हो गया उस टाइम। अच्छा बहुत बढ़िया, तो कैसा लगा आप फर्स्ट टाइम सीनियर कैंप में गई, कैसा लगा वो एनवायरनमेंट कैसा था और क्या क्या आपको क्या क्या कुछ नया सीखने मिला तभी? पहले क्या मैं बैंगलोर था, मेरा कोच मेरा सार था मेरे को उधर ही छोड़ दिए बैंगलोर में। उस टाइम बहुत छोटा था ना, कुछ भी मालूम नहीं, शाइनी दीदी को पहले से मालूम मेरे को, मीन्स शाइनी दीदी को, उषा दीदी सबको पेपर में पढ़ा देखा नहीं किसी को। फिर बैंगलोर पहले आने के टाइम इसको सब देखा तो मेरे को बहुत खुशी हो गया, बस बस सब लोग सीनियर लोग रोसकुटी फिर शाइनी दीदी था, पीटी उषा दीदी, फिर ज्योतिर्मय सिक्तर भी मेरे बच्चा उसके बाद आ गया, बहुत सीनियर दीदी लोग था, बहुत खुशी हो गया। फिर पता क्या कर रहा है कैसा करना है, बहुत डर लग रहा है ये लोग के साथ कैसा बात करते हैं, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग एक टीम था, मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक टीम था ना, शाइनी दीदी रोसकुटी में ज्योतिर्मय सिक्तर बहादुर प्रसाद, फिर हम लोग ऐसा एक टीम हो गया। फिर ऐसा प्रैक्टिस शुरू हो गया बैंगलोर में, उसके बाद दिल्ली, उस टाइम मेरा कोच मैं थॉमस। उसके बाद मैं फिर रेलवे में ज्वाइन किया 87 में, रेलवे में जूनियर नेशनल के बाद मेरे को जॉब मिल पालकाड में रेलवे ज्वाइन किया। उस टाइम एक एक कुट्टी सर एमडी वाले दीदी का कोच एक द्रोणाचार्य एक एक कुट्टी सर था, सर के साथ प्रैक्टिस करता था पालकाड में मैं। उसके बाद फिर कैंप में गया, इंडियन कैंप में गया। उसके उस टाइम सैनी सर था चीफ कोच, जोगिंदर सिंह सैनी सर, जोगिंदर सिंह टाइगर सर, श्रीराम सिंह सर, संतूर सर, ऐसा कोच था मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस में एक ग्रुप। उस टाइम 15 मेंबर्स था, उस टाइम एक ग्रुप था हमारा। फिर हम लोग हाई ऑल्टी ट्रेनिंग में शिमला ऊटी ऐसा जाता था सब लोग, ऐसा बहुत अच्छा था सीनियर कैंप, बहुत अच्छा था। फिर एक्सपीरियंस हो गया एक साल के बाद थोड़ा। अच्छा आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग केरला से थे तो मलयालम तो वो एक अच्छा था आपके लिए। वो बहुत खुशी हो गया मलयालम, सब लोग मलयाली है इसलिए थोड़ा कुछ। फिर कैंप में आके था हिंदी थोड़ा सीख के आया, कैंप में आके पहले कुछ मालूम नहीं था, उसके बाद सबको नॉर्थ सबको हिंदी सबको बोल के सीख के आया हिंदी सा। अच्छा बहुत बढ़िया, इनफैक्ट आपका आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है। आप कह रहे थे कि मुझे कि आपका आपको प्रैक्टिस नहीं है कभी, एक 20 साल हो गए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके क्योंकि आपका हिंदी जो है बहुत अच्छा है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आपके ना आपकी आप जो कह रहे हैं वो समझ रहे, उनको समझ में भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पहला नेशनल गोल्ड जो है 1989 में था, उस रेस के बारे में बताइए, सीनियर नेशनल गोल्ड 1989 जो है जहाँ पे आपका जो उस रेस के बारे में बताइए, क्या था स्ट्रेटेजी था और कैसा आपने गोल्ड जीता? मैं उस टाइम में नेशनल में उस नेशनल में गोल्ड गया मैं। उस टाइम मैं थोड़ा डर लगता था उस टाइम वैसे आगे, फिर मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा से कर दिया था ना इसलिए कोई। फिर उस टाइम लीलामा एक मलयाली था लीलामा, उस टाइम लॉन्ग डिस्टेंस चैंपियन विजय नीलमणि कालको, फिर ऐसा कुछ लोग था, फिर पता नहीं मेरे को ऐसा थोड़ा। तो कैसा लगा कि वो रेस कैसा जीता आपने? मैं ना ये लोग थोड़ा आगे आगे गया, मैं कभी भी आगे नहीं जाते लॉन्ग डिस्टेंस में, मैं कभी भी आगे नहीं जाता, मैं फॉलो करके जाता था।
फर्स्ट बैच में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा पांच बैच में मैं फॉलो करके रनिंग करता था, कभी भी मैं ऐसा करता है। उसके लास्ट 200-250 मीटर में मैं स्प्रिंट करके आगे जाऊंगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो ये 1500 मीटर और 3000 मीटर जो है ये इसमें टेक्निकलिटीज क्या है, क्या अगर कोई, बिकॉज यहाँ पे एक रनर है कृष्णा जी जो पुणे से है, उनका जो एक नीज है 12 इयर्स की है, वो 1500 और 3000 मीटर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, उनके लिए अगर जो है क्या बोलता है उसको, आपका ट्रेनिंग कैसा था तभी 1500 और 3000 मीटर्स के लिए? मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर 3000 के लिए प्रैक्टिस, मैं 3000 के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 10000 का वर्कआउट करना पड़ेगा हम लोग 3000 मीटर इसे करने के लिए 10000 इतना सिर्फ सैटरडे एक वर्कआउट 15 to 20 किलोमीटर रनिंग कंटिन्यूस रनिंग करता था, फास्ट नहीं स्लो रनिंग करता था, ऐसा एंड्रेंस चाहिए हमको लॉन्ग डिस्टेंस को। मैं 3000 में 1500 रनिंग करने के लिए मेरे को थोड़ा ईजी है, थोड़ा मीन्स ज्यादा एंट्रेंस है, 10000 का वर्कआउट करता कर रहे ना हम लोग, इसलिए एंट्रेंस है तो 1500 मेरे को थोड़ा ईजी था। अच्छा, उसमें स्प्रिंट वर्कआउट कितना होता था और एंड्योरेंस कितना होता था आपका वीकली? एंड्योरेंस वर्कआउट ओ सीजन है ना, ऑफ सीजन, मिडिल सीजन, स्प्रिंट, अंगने स्पीड सीजन, ऐसा है हमको तीन सीजन। ऑफ सीजन में हम लोग हिल रनिंग, सैंड रनिंग, स्ट्रेंथ वर्कआउट करता था, वेट ट्रेनिंग ऐसा ऑफ सीजन। उसके बाद हम लोग थोड़ा स्प्रिंट मींस स्प्रिंट सेशन करता था। कितने कितने टाइम करता था स्प्रिंट में? फोर टाइम्स है, 412 times 400 मीन्स अगर एक टाइम लगता सर 70 सेकंड 71 सेकंड में इतना फोर रन करना है, 200 इतना टाइम को करना है, ऐसा 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 स्प्रिंट करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जो है आपका जो ट्रेनिंग जो है वो हरगोविंद सिंह संधू जी के साथ था, कितने साल आपने उनके साथ ट्रेन किया और जरा बताइए वो कैसे हैं और ट्रेनिंग उनका वर्कआउट कैसा था? बिकॉज शाइनी जी का एक अलग सा था लेकिन आपका कैसा था मुझे बताइए। हम लोग एक ग्रुप था, वैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट था, शाइनी दीदी, रोसा कुटी, मैं, ज्योतिर्मय सिंह, तैयार बहादुर प्रसाद, दीना राम, बहुत सबका नाम ऐसा, सुनिंदा रानी जूनियर, ऐसा तो बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग थे आपके, आप हरगोविंद सर एंड भाटिया सर, हम लोग एक ग्रुप है, मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक ग्रुप है। बहुत अच्छा वर्कआउट लेता था, फिर क्या स्पीड वर्कआउट, इतना टाइम के करने के लिए कितना कितना वर्कआउट देता था हमको। सर के साथ में 1989 एशियन ट्रैक एंड फील्ड दिल्ली में मैं पार्टिसिपेट कर दिया था 89। उसके पहले दो तीन इंटरनेशनल मीट, सिंगापुर इंटरनेशनल ओपन मीट, मलेशिया, इलेलम गोल्ड मेडल, कोलकाता एक्सपीरियंस मेडल आया था। सर 90 में आया, 90 एशियन गेम्स में सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर 91 एशियन ट्रैक सर के साथ, सर भाटिया सर दोनों आ गया काम में, फिर सर के साथ पूरा ट्रेनिंग हो गया। फिर 91 एशियन ट्रैक एंड मैन में सिल्वर आ गया विथ रिकॉर्ड। फिर 1989-90 से 94-95 तक सर के साथ में था। अच्छा। हरगोविंद सर एंड भाटिया सर, जेएस भाटिया सर। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए हरगोविंद सिंह सर के साथ कैसा था ट्रेनिंग, क्या क्या कराते थे वर्कआउट्स नया? बहुत बढ़िया है, बहुत सर के तारीफ, बेटी की प्लीज इतना वर्कआउट करने के टाइम में ऐसा देखूंगा सर, ऐसा टायर्ड होता था ना बहुत, यानी 3000 रनिंग करने के लिए 10000 वर्कआउट करना पड़ेगा हमको। उस टाइम विदाउट रेस्ट में 12-400, 16-400 इतना टाइम कैसे करना पड़ेगा, एक 400 करके आके एक ब्रीथ ऐसा लेगा, उसका नेक्स्ट कॉम्पिटिट नेक्स्ट रनिंग करना पड़ेगा। अब देने इतना टायर्ड होगा उस टाइम में, ऐसा देखूंगा सर को, नहीं अरे बेटी प्लीज हो गया वर्कआउट ऐसा बोल के, दोनों भाटिया सर भी दोनों बोल के बहुत बहुत प्यार से, बहुत लवल पर्सन है दोनों, सब कोच है, वेरी लास्ट कोच है दोनों, था ना बहुत अच्छा था, कोई फैमिली जैसा, सर का फैमिली भी बहुत जैसा, बहुत फैमिली था, मैडम अच्छा लोग सब, हम किधर भी जाएगा तो ऊटी में क्या बहुत शाइनी दीदी में सब लोग आगा तो रसोकटे रहा तो मैडम आएगा, बहुत बहुत प्यार था, बहुत अच्छा था सब, अच्छा जस्ट लाइक
डॉटर जैसा ट्रीट करता अच्छा, था। अच्छा बहुत बढ़िया। तो वर्कआउट्स में, क्योंकि शाइनी जी वो कहते थे कि उनको वेट्स में वेट्स या टायर वर्कआउट कराते थे हरगोविंद सिंह संधू, आपको भी कराते थे ऐसे? यस 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 हम मिडिल एंड ऑप्शन वर्कआउट मींस स्पीड वर्कआउट थोड़ा डिफरेंट है, एंड्रेंस वर्कआउट एंड எல்லாம் சேம் வர்க் அவுட் ஹில் ரன்னிங் டயர் ரன்னிங் எல்லாம் சேம் வர்க் அவுட் ஹம் லோக் சாதே சப். அச்சா அச்சா, तो ज्योतिर्मयी सिकदर के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि एक स्पेशल टेक्निक था हरगोविंद संधू सर का, फॉक्स रनिंग, जो लास्ट में जो है वो लीड कैसा जो है ना चतुराई से आगे निकलना, क्या आपको भी वो सिखाया गया था फॉक्स रनिंग? आपको साफ सबको डिफरेंट एक ही का सबको एक ही साथ सब टेक्निक बोल के देता था। अच्छा अच्छा, तो सर तभी तभी वो नाम देता था फॉक्स रनिंग। एक एक और लैप इतना टाइमिंग करना पड़ेगा, 3000 मीटर करने के टाइम बोला एक लैप 70, नेक्स्ट लैप इतना टाइम, नेक्स्ट एक सब सब लिख के रख के बॉल को उधर से जोर से साउंड से बोल एक लैप ऐसा हो गया ऐसा ऐसा, बहुत बहुत अच्छा टेक्निक था। अच्छा, तो रेस में जब आते थे हरगोविंद सिंह संधू सर, वो भी आते थे, वो भी आपको वो कहाँ पे बैठते थे आपके रेस के टाइम? ओ इंटरनेशनल पूछा है तो बाल वो साइड से सर को मालूम, बहुत टेंशन है सर उधर बैठता नहीं, सब पैदल से इधर जाके उधर से जोर से बोलूंगा। इंडिया में तो कंपटीशन करे तो पास से आके बोल रहे, और राउंड जाने के टाइम ट्रैक में बागर आके बोलूंगा इतना टाइम हो गया इतना टाइम है, फिर हमको भी थोड़ा आइडिया है ना सर बोल रहे तो हम वो सुनेगा ऐसा एक लैप कितना टाइम करना पड़ेगा, अरे बेटा रनिंग लास्ट ऐसा बोल जोर से बोल के हमको बहुत ही प्रश्न करता था। अच्छा, तो यहाँ पे आपके जो रेलवेज के फैंस है बहुत सारे लोग हैं, सीनियर्स लोग, प्रभाकर राव जी हैं जो भी सदर्न रेलवेज के थे, वो भी आए हैं, वो हेलो हैदराबाद से हैं, वो आपको हेलो कह रहे हैं, विनोद शर्मा जी आपको हेलो कह रहे हैं, यमुना मेनन जी है जो आपको हेलो कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको हेलो कह रहे हैं, और जो है जो आपका जो इंटरव्यू जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे ये पूछना था आपसे कि पहला जो है आपने 3000 मीटर्स से शुरुआत किया था बहुत अच्छा रनिंग सीनियर्स में 1987 टू 1992, अब 1990 में आपने 1500 भी शुरू किया था, ऐसा क्यों, किसने कहकर ये चेंज किया आपने 3000 मीटर्स और इंटरनेशनल में जो है 1500 मीटर्स भी रनिंग शुरू किया आपने? नहीं नहीं, मैं स्कूल वजह से 1500 करता था स्कूल से। अच्छा, अच्छा। हाँ, स्कूल से भी स्टार्ट किया था, स्कूल में मैं 800 1500 3000 कुछ इवेंट नहीं था, 5000 भी कर दिया था कोई इवेंट में, कोई कंपटीशन में 5000 भी करता था मैं, 10000 नहीं करते, 10000 कभी भी नहीं नहीं किया, 5000 दो तीन बार मैं कंपटीशन में कर दिया, उस टाइम चेंज नहीं हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस है ना इसलिए मेरे को थोड़ा इजी है 1500 थोड़ा। अच्छा, आपका जो पहला 1500 मीटर्स का जो मेडल जो सिंगापुर ओपन इंटरनेशनल मीट में था, जहां पे आपने बहुत ही अच्छा टाइम से आपने यू नो मेडल हासिल किया, कैसा लगा पहला इंटरनेशनल मीट मेडल जीत कर आप? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा ना, बहुत खुशी हो गया इतना। ओ क्या, पहले पहले थोड़ा डर लगा कैसे दौड़ेगा कैसा दिया ऐसा थोड़ा डर लगा, फिर ओके। अच्छा, कैसा लगा पहला, ये आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था सिंगापुर, क्या आपने पहले भी गया था उससे पहले? पहले 89 में पहले। अच्छा ठीक है, तो अभी 1991 के तो वहां पे आते हैं जहां पे मेरे ख्याल से वो एक स्पेशल ईयर है आपके लिए, क्योंकि आपने जो है एशियन ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीता, साफ गेम्स में जीता, जरा यू नो आप बताइए 1991 में आपने आपका जो इतना अच्छा कैसा रहा सब कुछ? ओ उसके लिए थोड़ा नम 91 नेशन ट्रैक एंड फील्ड का थोड़ा हम लोग प्रिपेयर था, मैं उसके पहले बहुत कंपटीशन करके मेरे को कोच को थोड़ा आइडिया था एक मेडल आएगा सोचिए, फिर उस टाइम चाइना एथलीट बहुत पीक टाइम था चाइना एथलीट बहुत सही, उस टाइम लोग पूरा लॉन्ग मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत टॉप था एशिया, एशिया में मीन्स वर्ल्ड में टॉप था वो लोग, उससे माने मेरा वगैरह 91 एशियन ट्रैक में मलेशिया कुआलालंपुर, उस टाइम कोच को बहुत कॉन्फिडेंस था मैं एक मेडल आएगा, फिर मेरे को थोड़ा डर लगा चाइनीज एथलेट का थोड़ा डर,
फिर लास्ट में मैं सिल्वर आ गई, वो लोग को पीछे फॉलो करके करके सर टाइमिंग दे दिया, वो टाइमिंग वो देख के करके सिल्वर आ गया, बहुत खुशी हो गया। अच्छा, उस टाइम पे दो चाइनीज एथलीट्स थे जो एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, क्यू युंगसिया और जो है जैंग लिन ली। कैसा रहा आपका, जो आपने उनके साथ जो है नो रेस लगाया, वो कैसे एथलीट्स है, और आप उनसे बात किया या आई नो, और आप उनका जो स्ट्रैटेजी कैसा था? बात नहीं किया, सिर्फ कंपटीशन जाने के टाइम थोड़ा उसके आगे थोड़ा टेंशन था, फिर ग्राउंड में आके वार्म अप करके फिर कंपटीशन में, उसके बाद हम लोग ज्यादा बात बात मीन्स उस टाइम लैंग्वेज प्रॉब्लम था ना, इसलिए थोड़ा सब बात नहीं, हेलो हाय ऐसा। अच्छा, तो वो लोग कैसे थे, वो इतना अच्छा कैसे भागते थे, क्योंकि वो आगे जाकर जो है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया दोनों, तो उनका प्रैक्टिस या नो वो कैसे जब रेस रेस में आते थे, वो क्या क्या अलग करते थे कुछ? वो लोग फर्स्ट 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 बहुत फास्ट कर दिया, फिर मेरा कोच मेरे को बोला आगे नहीं दौड़ना, वो लोग को फॉलो करके जाना पड़ेगा ऐसा, फिर मैं वो लोग का आगे जाए तो थोड़ा वो लोग फास्ट करेगा, फिर भी फिर वो टाइम अरेंज करके हम लोग उसका फॉलो करके मैं दौड़ा ऐसा, लास्ट में मेरे को कभी भी थोड़ा स्प्रिंट दिए कुछ ऐसा फॉलो करेगा तो थोड़ा स्प्रिंट होगा, लास्ट 200 में 150 में मैं मैक्सिमम स्प्रिंट करेगा अच्छा, ऐसा। थर्ड वाला उस टाइम सिल्वर आ गया, थर्ड वाला मेरा पीछे था, मैं ऐसा थोड़ा देखा देख के ना कि टाइम मेरा पीछे था, फिर मैं फिर भी लास्ट 50 मीटर फास्ट में दौड़ा तो उस 1991 एशियन ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे मेडल्स नहीं आए थे, आपका जो है मेडल्स था 4x400 का मेडल्स था, बहुत ज्यादा नहीं मेडल्स थे, थ्रोइंग में था मेडल्स। तो जब आप इंडिया वापस आए तो कैसा रहा आपका स्वागत इंडिया में? हाँ अच्छा था, सब लोग फेडरेशन कलमाड़ी सर था, बनोट सर था, सब लोग बहुत अच्छा था, साई साई फेडरेशन स्पोर्ट्स सोसाइटी सब लोग अच्छा कर दिया हमको। अच्छा, आपका रनिंग स्टाइल जो है थोड़ा केरला अलग। केरला स्टेट भी हमको ट्रीट कर दिया अच्छा से। अच्छा, आपके स्टेट में जब आया था बहुत सारे लोग आए थे, तो आपका घर जो है काफी बिजी होगा तभी, उस टाइम बहुत लोग आए थे तभी। हमको फंक्शन ऐसा नहीं है, सिर्फ काम कैंप में था हम लोग ऐसा, बीच बीच में साल में एक बार घर में आया आएगा शायद ऐसा, तो फिर पूरा कंपटीशन है ना इधर उधर, एक नेशनल मीट ये नेशनल मीट बहुत कंपटीशन था ना, इसलिए हमको ऐसा दूसरा कुछ ऐसा करने के लिए टाइम नहीं है इधर, वो कंपटीशन एक कंपटीशन करके आके वापस फिर भी दूसरा कंपटीशन, तो ऐसा टाइमिंग है ना, इसलिए अच्छा किधर भी नहीं सकता, कुछ फंक्शन के लिए नहीं जा रहे ऐसा, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस। अच्छा एक एथलीट को ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, क्या क्या सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं एक एथलीट को, क्योंकि आप नेशनल लेवल एथलीट, इंटरनेशनल लेवल एथलीट है, क्योंकि सबको लगता है, सबको सिर्फ सब लोग सिर्फ मेडल्स देखते हैं, हाँ गोल्ड मेडल आ गया, लेकिन उसके पीछे कितना सैक्रिफाइस होता है आप जरा बताइए। सैक्रिफाइस बोलते हैं, सैक्रिफाइस करेगा तो हम लोग हमारा परफॉर्मेंस ऊपर आएगा, अगर नहीं तो हमारा परफॉर्मेंस ऊपर नहीं आएगा, फिर कितने दिन आप ट्रेनिंग करते थे, घर पे कितना दिन जाते थे साल में, जरा बताइए। घर में साल में एक बार जाएगा तो ओके ठीक है, अगर नहीं तो नहीं, पूरा ट्रेनिंग है, कारण मीन्स और सीजन ऑफ सीजन ट्रेनिंग, मिडिल सीजन स्पीड सीजन, अगर ऐसा ट्रेनिंग पीरियड है ना, इसलिए फिर उस टाइम बीच में कंपटीशन आएगा ना, फिर घर जाने के लिए टाइम नहीं है हमको, फिर कैंप में हम लोग घर जैसा था, सब लोग का सबके साथ एक घर, वही एक घर हमारा अच्छा, सबका, तो और आपका हमारा घर वाले अलाउड थे? फेस्टिवल वाला कुछ आएगा तो उधर ही मीन्स ओणम ऐसा कुछ आया तो हम लोग उधर ही मनाता। अच्छा 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 बहुत बढ़िया, तो घर वाले आते थे आपको कैंप में मिलने के लिए या अलाउड नहीं थे? हाँ नहीं, मेरा घर से पापा मम्मी नहीं आएगा, फिर मेरा तीन हम लोग चार लड़की है, मैं बड़ा है, तीन है छोटा, वो लोग भी पढ़ा गया, मेरा बहन था, मेरा स्कूल सारा कर, हम चार भी स्पोर्ट्स सार का ट्रेनर है, मेरा बहन तीनों, मेरा बहन था सेकंड थर्ड सिस्टर था, मेरा रिकॉर्ड स्कूल से रिकॉर्ड दे दिया, वो उसका फोर्थ सिस्टर था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, हम अच्छा चारों अच्छा चार चार लड़की एथलीट था, अच्छा सार का ट्रेनिंग में। हाँ थॉमस मार्श अच्छा का।
तो थॉमस सर सबको सभी सिस्टर को बोला होगा कि हाँ मोली का रिकॉर्ड तोड़ो, फिर उसके बाद दूसरे सिस्टर का ऐसा रिकॉर्ड इंटरेस्ट तोड़ो। आया था एक बार ना, शाइनी देव स्कूल में पढ़ाई करने बोला था, शाइनी दीदी का स्कूल का रिकॉर्ड आप ब्रेक कर रहा है, ऐसा बोल रहा हूँ, बोल के बहुत इंटरेस्ट कर रहा था सर को। अच्छा वो शाइनी शाइनी जी का रिकॉर्ड आपका मेरे ख्याल से टूटा नहीं, कि थोड़े नहीं सेकंड से आप पीछे रह गए। स्कूल से अच्छा आपके रनिंग के बारे में मुझे पूछना था, आप बेयर फुट रनिंग करती थी तो आपने आपने चेंज क्यों नहीं किया टू बाइक नॉर्मल रनिंग में? वो मेरे को पता नहीं था, मैं प्रैक्टिस पूरा स्पाइक्स में काम करता था, प्रैक्टिस करने के टाइम फुल स्पाइक्स स्पीड वर्कआउट ऑफ सीजन वर्कआउट शू में करता, बाकी सब स्पाइक्स में करता, वैसे कॉम्पिटिशन में मेरे को पता नहीं कुछ, पता नहीं स्पाइस में करा तो मैं टायर्ड होगा कुछ, पता नहीं मेरे को ऐसा थोड़ा माइंड में ऐसा होगा। कंपटीशन में सिर्फ कंपटीशन में स्पाइस में नहीं रहता, कोई भी नेशनल स्टेट कुछ भी है तो स्पाइस में नहीं करता, सिर्फ मैं 94 एशियन गेम्स में स्पाइस में दौड़ा, पता नहीं वो थोड़ा ऐसा हो गया मेरे को, वो मेरा अच्छा थोड़ा माइंड है थोड़ा, पता नहीं मेरे को ऐसा। अच्छा स्पाइक्स आई मीन ये बेयर फुट रनिंग में कोई एडवांटेज है आई मीन आपको लगता है? हाँ मेरे को थोड़ा ऐसा थोड़ा एडवांटेज लगता है, मीन्स लास्ट कितना टायर्ड, लास्ट थोड़ा स्प्रिंट करने के लिए मेरे को मेरा वेयर फुट थोड़ा मेरा अच्छा लगता है थोड़ा। अच्छा क्या आप बेयर फुट रनिंग किसी और को बाकी एथलीट्स को रेकमेंड करोगे आप? नहीं, मैं अच्छा नहीं तो आप जब जब आप कैंप में थी तो बहुत सारे एथलीट्स केरला के थे, कौन कौन थे जिन जिनसे आपने मिला और आप इंस्पायर्ड हो गए थे तभी जो आपके कैंप में केरला एथलीट्स? हाँ गादा, मैं सीनियर मोस्ट उषा दीदी, शाइनी दीदी, मैं 89 में बने, मेर्सी कुटन दीदी था, सानी जोसफ, बिना सारामा, सारामा में सारामा 400 है, शांति मॉल, बिना बीना मॉल मेरा हमारा जूनियर था, बीना मॉल मेरा जूनियर था, फिर सीनियर्स बहुत लोग था, फिर हम लोग मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस है ना, एक ग्रुप है स्प्रिंटर्स, एक ग्रुप है, ऐसा ऐसा था, हम मोस्टली स्पीड वर्क टाइम करने के टाइम हम लोग एक ही साथ होगा स्प्रिंटर्स है ना, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में था प्रैक्टिस हमारा, फिर अच्छा मोस्टली लॉन्ग मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक ग्रुप, दिल्ली पटियाला पिने ऊटी, मीन्स ऐसा था, स्प्रिंटर्स मोस्टली बैंगलोर और दिल्ली होगा, अच्छा ये आपका सारा जो मिलानी था उस टाइम, सारामा, शांति मॉल, के सारामा, शांति मॉल, बहुत बहुत एथलेट था उस टाइम, बहुत बहुत अच्छा ने ये कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था आपकी जो मैरिज के टाइम जो है बहुत सारे गेस्ट, ऐसा लगा था कि नेशनल कैंप की तरह था, बहुत सारे एथलीट्स आए थे आपके मैरिज में। या करेक्ट, उषा दीदी, शैन दीदी, बहुत लोग आ गया, केरला उस टाइम केरला था ना, बहुत लोग आ गया अच्छा था सब। तो अब जाते हैं एशियन गेम्स के बारे में पूछते हैं मैं आपको, 1994 एशियन गेम्स जहां पे आपका जो नेशनल रिकॉर्ड 3000 मीटर्स का आपने बनाया था 906:42, उस रेस के बारे में बताइए कैसा था रेस और क्या क्या था आपने मुझे पता है कैसा था रेस बारे में बताइए। नहीं, मैं अच्छा फॉर्म में था उस टाइम में, 94 एशियन गेम्स में एक मेडल मिलना था मेरे को भी कोच को भी कॉन्फिडेंस था, बट हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग यूरोप में ला सर्किट मीट ऐसा कर दिया उस टाइम, मेला मैं अच्छा से टाइम कर दिया था उधर भी, पर पता नहीं ऐसा थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया पता नहीं, उसने उसने स्पाइस से दौड़ा दौड़ा था, स्पाइस डाल की दौड़ा मेरा, पता नहीं ऐसा बैड लक हो गया मेरे को ऐसा। अच्छा लेकिन नेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया नेशनल रखा, मैं तो 6th पोजीशन आ गया 3000 में, 6th पोजीशन उस टाइम में, चाइनीज बहुत स्ट्रांग था उस टाइम, चाइनीज चाइना एथलेट बहुत स्ट्रांग था उस टाइम, मेरा पीरियड में बहुत स्ट्रांग था चाइना एथलेट उस टाइम। अच्छा तो ये रिकॉर्ड है 27 ईयर्स तक अभी अभी रहा है, अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा है आपके हिसाब से? हो गया अभी उस टाइम में 2 साल के बाद वो इवेंट, अच्छा वो इवेंट नहीं है अभी, अभी 3000 चीप परचेस हो गया, 3000 फ्लैट नहीं है अभी, 5000 3000 फ्लैट नहीं, चीप परचेस हो गया, 1500, 3000 चीप, 5000, 10000 ऐसा, वो इवेंट अभी नहीं है इसलिए तो मेरे मेरा ख्याल से ये रिकॉर्ड जो है वो अभी कोई कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि हाँ वो इवेंट नहीं इवेंट ही नहीं है। था, ऐसा इवेंट भी नहीं था अभी। अच्छा
एक 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 सुपर अभी एक स्टार आ रहा है जो है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में है, जो आपने मुझे पता, आप माधुरी सिंह जी के साथ आप दौड़ी थी, या माधुरी सिंह जी आपकी जूनियर है? माधुरी सिंह जी की बेटी जो है हरमिलन बाइंस जो है वो इस साल की जो फास्टेस्ट 1500 मीटर्स वो भागी थी, ऑलमोस्ट क्लोज आई थी सुनीता रानी जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आपने देखा उनको? उसका कॉम्पिटिशन सब मैं वीडियो देखता था। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सिंसियर है, बहुत सिंसियर एंड हार्ड वर्कर है, बहुत अच्छा है वो बेटी, बहुत अच्छा। मारुति मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरा क्लोज है, हम लोग एक क्लास है, बहुत कॉम्पिटिशन करता था माधुरी सब, हम लोग एक ही साथ क्या मैदा सब लोग, बहादुर सिंह सब लोग, ये लोग सब पूरा, हम लोग 2025 ग्रुप था हमारा साथ प्रैक्टिस करने के लिए, हम लोग ये लोग के साथ जेंट्स के साथ प्रैक्टिस करता था ना बहादुर, ये लोग के साथ साथ हम लोग शाइन दीदी में रोसकुटी सब जोधरमाई हम ये लोग के साथ प्रैक्टिस करता था, हम लोग एक ही ग्रुप, बहुत अच्छा था उसमें हमारा ग्रुप। अच्छा, तो हरमिलन के लिए कुछ आप कुछ सुझाव या टिप्स देना चाहती हो कि वो बेहतर और कैसे बन सकती है? हाँ, अच्छा, बहुत मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। फिर क्या, उसका मम्मी पापा पापा बहुत इन ये दे रहे उसको, बहुत वो हार्ड, उसका रनिंग देखा तो मैंने बहुत हार्ड वर्क करे, बहुत सिंसियर है वो, बहुत ऐसा करेगा तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। मीन्स एक एक एथलीट को मीन्स सिंसियर हार्ड वर्क डेडिकेशन ये चाहिए एक एथलीट को अच्छा से ऊपर आने के लिए, एक मेडल जीतने के लिए। अच्छा, तो अभी जो है अभी एथलेटिक्स से आप जुड़ी हुई है? अभी अभी कुछ नहीं कर रहे मैं ऐसा। अच्छा, तो अभी जो आप जो ट्रेनिंग करती थी और अभी के जमाने में ट्रेनिंग जो है, आपको क्या क्या फर्क या यू नो डिफरेंस दिखता है कि पुराने जमाने में और अभी के टाइम में? हाँ, बहुत डिफरेंट है। उस टाइम इतना फैसिलिटीज नहीं, अभी बहुत इंटरनेशनल फैसिलिटीज हो गया, उस टाइम इतना फैसिलिटीज नहीं। फिर बाहर इंटरनेशनल बाहर कंट्री जाएगा तो मेरे को थोड़ा अच्छा अच्छा फैसिलिटी हमको मिलता था, अभी बहुत फैसिलिटीज हो गया फिर हमारे टाइम से, सोचा तो बहुत फैसिलिटी अभी भी। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग जो है अभी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और ट्रेनिंग सारे एथलीट्स ऑलमोस्ट सेम ट्रेनिंग्स करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि यूरोप और अफ्रीका के जो नेशंस के जो रनर्स है वो हमसे और बेहतर करते हैं, ये क्या क्या वजह है? हाँ, ऐसा बोलना था, अभी अभी ना अभी सब इंटरनेशनल फैसिलिटीज हो गया इंडिया में, फिर अभी पूरा ट्रेनिंग अभी लॉकडाउन ऐसा कोरोना ये COVID-19 आ गया था, नहीं तो सब लोग अभी हमारे इंडिया का एथलीट पूरा बाहर जाके प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता था ना, तो इसलिए सबको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपसे जो है ना बात करके आपकी जो स्टोरी सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे कि बहुत इंस्पायरिंग है, और एलिस कह रहे कि बहुत अच्छा लग रहा है इनको आपका स्टोरीज सुनकर। तो ये मेरा आखिरी सवाल, द फाइनल सवाल जो है मैं आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, एक एथलीट को मौली चाको की तरह अगर बनना है तो आप क्या एडवाइस दोगे, क्या क्या करना चाहिए बताइए? एथलीट बनने के लिए हम लोग सिंसियर चाहिए, सिंसियर करना पड़ेगा, डेलिकेट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। मैं वो मेरे बचपन से मेरा कोच से ये सब कुछ दिया, फिर अच्छा से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा डाइटिंग ऐसा ऐसा हम लोग थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, माइंड माइंड हमको माइंड थोड़ा। अच्छा, और कोई एडवाइस देना है? और कोई एडवाइस नहीं देना आपको? अच्छा, ठीक है, अभी सबको 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 सब कुछ मालूम जरा। यहाँ पे एक सवाल आ गया है संपत कुमार जी का, वो कह रहे हैं कि आज के जो यंगस्टर्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग क्यों नहीं करते हैं? आपके हिसाब से क्या वजह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते हमको, लोग कौन सा और किसी को बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा इवेंट है, कौन ऐसा थोड़ा कोच सेलेक्ट करना पड़ेगा, और
कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट स्टेट में वगैरह से मैं ना मेरा बचपन हडल्स कर दिया उसके बाद मैं चेंज हो गया, मेरा बॉडी जैसे नहीं, मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस है, मेरा मेरा बॉडी कंडीशन के लॉन्ग डिस्टेंस से अच्छा है ऐसा सोच के थोड़ा। और एक सवाल आया है यहाँ पे राम वेंकट रामन जी का, वो कह रहे हैं कि केरला में इतने सारे अच्छे एथलीट्स होने की वजह क्या है? सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं सर, सब लोग बहुत अच्छा सिंसियर एंड हार्ड वर्क कर रहे हैं, केरला लोग नहीं सब लोग ऐसा है, फिर वो चाहिए हमको, थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए हमको। मेरे हिसाब से केरला में जो है एथलीट जो है पुराने भी एथलीट है, तो इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, और मेरे ख्याल से केरला में स्पोर्ट्स कॉलेज एंड स्पोर्ट्स स्कूल्स भी है ना। दो स्पोर्ट्स स्कूल का अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, केरला भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया अभी। मेरा दूसरे एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, उसके बाद बिना मोल आ गया, बिना मोल था, फिर प्रीजा श्रीधरन एशियन गेम्स मेडलिस्ट प्रीजा श्रीधरन, मेरा सेम इवेंट था प्रीजा श्रीधरन मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत अच्छा था, एशियन गेम्स मेडल था प्रीजा श्रीधरन, बहुत एथलीट है सर। ओपी जयशा, टिंटू, ओपी जयशा, हां टिंटू लुका भी 800, हां ओके करेक्ट है सर, तो बहुत एथलीट है सर एंड हार्ड वर्क। आपके लिए एक स्पेशल एक गेस्ट यहाँ पे है जो आपको हेलो कह रही है, हरगोविंद सिंह संधू सर का बेटी सिमरन संधू जो है वो भी इंटरव्यू सुन रही है आपका। हाय हाय हाय। तो अगर आपको आप सिमरन को कुछ कहना चाहती है तो आप कह लीजिए अभी। हाय बोलो, मैं बात करता था बीच में थोड़ा उसका फेसबुक से विश पढ़ना विश कर रहा था। हाय हाय। अच्छा है कि छोटी था हमारा कैंप में आया था, आऊंगा था ऊटी में सब कुछ आता था उस टाइम दीदी दीदी बुला के। अच्छा तो आपने आपने बहुत सारे बहुत गेम्स के उनके साथ खेले होंगे तभी। अच्छा तो यहाँ पे जो है तरुण कुमार नेहरा जी जो गुड़गांव दिल्ली से है वो पूछ रहे हैं कि केरला में कोई स्पेशल डाइट है क्या जिससे एथलीट्स को जो है हेल्प करता है? नहीं ऐसा स्पेशल डाइट नहीं है, वेर नहीं ऐसा स्पेशल डाइट तो कुछ नहीं, नहीं हम सिर्फ उस टाइम मेरा टाइम हम सिर्फ घर का फूड खाता था, बाहर से कुछ खाना ऐसा नहीं, फिर सिर्फ घर में क्या बना रहे हो वो खाता था, अरे स्पेशल फूड कुछ भी नहीं ऐसा। फिर नेचुरल फूड खाता था, नेचुरल फूड। तो मैंने कहा कि हम लोग फिश खाते हैं, फिश एंड हमारा राइस का क्वालिटी अच्छा है तो कार्बोहाइड्रेट जरी में अच्छा है। अच्छा तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जो लाइफ स्टोरी जो है सुनकर। मेरा एक ही सवाल, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे पता है ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत बार ये पूछा गया है, आपके घर पे एक ही अर्जुन अवार्ड है, सेकंड अर्जुन अवार्ड कब आएगा? देखिएगा। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जो है मेरे ख्याल से ध्यानचंद अवार्ड के लिए डेफिनेटली आई होप कि आपको मिल जाए, एंड यही है कि आपका जो जो यू नो आपका जो रिकॉर्ड जो बना रहे और आपका जो रिकॉग्निशन है वो आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह मिलना चाहिए, यही हमारी दुआ है और तमन्ना है कि मोली चाको जी को भी नेशनल लेवल में जो है अवार्ड्स मिले, और डेफिनेटली आई एम होपिंग कि हमारी तरफ से ऑल इंडिया आई मीन यही हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जो है डेफिनेटली जो है ध्यानचंद अवार्ड मिले, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच आप आए, आप स्टूडियो में बने रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनल कुछ कहना चाहते हो आप अपने ऑडियंस से बताइए प्लीज। नहीं थैंक यू वेरी मच, दूसरा कुछ नहीं। तो आप स्टूडियो में रहिए एक मिनट। Thank you very much for tuning in. Fantastic. So nice to hear Molly Ji's interview. Yes, Molly Ji, your Hindi is very good. Nothing to worry. You have not forgotten a single word of Hindi. You know, I think you are a bit nervous on that, but I think your Hindi was very nice. So nice hearing your stories. And thanks, Ellis, for your kind comments. And next weekend, we are hoping to interview the Superman of Indian Athletics, Gurbhajan Singh, Mr. Randhawa Ji. And the decathlete, I hope that we can talk to him a day after his birthday. And I'm really looking forward to it. But till then, good night. And thank you very much for tuning in.